के अनेकों कारण होंगे, एक कोई कारण कभी नहीं रहता, एक से ज्यादा कारण रहते हैं। इसमें देखिए हम कमजोर कहां पड़े, हम ट्राइबल एरिया में कमजोर पड़े। बस्तर और सरगुजा में 26 सीटें हैं, हमको 4 मिली। पिछले बार हमको 25 मिली थी, जब 68 सीट हम जीते थे, तो जहां 25 सीट हमको मिली थी वहां हमको 4 सीट मिली। शहरी क्षेत्र हैं, हम मोटा मोटी मानते हैं कि 20 हैं। पिछले बार हमको 16 मिले थे, इस बार हमको 3 मिले। तो ये 26 और 20 कितना हो गया, 46 सीटें हो गई, आधे से ज्यादा। इन 46 में से पिछले बार कितनी मिली थी, 25 और 17, 42 सीटें मिली थी 46 सीटों में से। अब की कितनी मिली है, 7। तो ये हार का एक सीधा कारण है। फिर अन्य बातें जो आई, भ्रष्टाचार को लेकर बातें आई, कुछ अधिकारियों ने गलत काम किए ऐसा लगता है, जो अभी भी बंदी हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी बात आई, उसकी आंच भी पार्टी के ऊपर हो सकता है कि आई होगी। कहीं और आपस के तालमेल की कहीं ना कहीं कमी रही हो, उसकी भी हमको समीक्षा करनी चाहिए कि आपस का तालमेल हमेशा बना रहे, उसका संतुलन ना बिगड़े, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल हम कितना बना के रख सके, 5 साल हम सरकार में थे तो कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद होती है कि यह हमारी सरकार है। ये सारी बातों का खुले मन से, किसी के प्रति कोई बात नहीं है, सामान्य बात है कि ये परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, और इसको देखना चाहिए कि अपने सारे सदस्यों में क्या क्या बातें हैं। अगर ऐसी कुछ बात है तो भविष्य में हमको ऐसा नहीं होने देना। क्या लगता है जैसे, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।